नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट, मैं हूं नेहा। इस वक्त हमारे साथ एमएलसी सचिदानंद जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली विधानसभा कल समाप्त हुआ है, कई विधानसभा क्षेत्रों में आप घूमे भी हैं, देखे भी हैं। बीजेपी की क्या आपको लग रहा है, 21 साल बाद सच में बीजेपी का वनवास खत्म होने वाला है? देखिए, वनवास खत्म होगा कि नहीं होगा, कल के एग्जिट पोल तो इतरफा दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन पर जैसा हम लोगों ने देखा, बहुत स्थिति खराब नहीं है बीजेपी की। इसमें कोई संदेह नहीं कि थोड़ा और काम होता तो ज्यादा अच्छा होता। हम लोग जनता तक ठीक से अपनी बात पहुंचाने में कितना सफल हुए हैं ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये जो फ्री और ये सब वो सब ज्यादा मुद्दा छाया रहा जी। लेकिन जनता बीजेपी के साथ दिखी है, और कल जैसे 3 बजे के बाद जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, अचानक जो निकले हैं लोग, मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सब 3:30 बजे के पहले के जो इंटरव्यूज हैं उन पे हैं। और चूंकि अस्वीकार नहीं किया जाता कि वोट काफी पोलराइज रहा है इस बार, तो जो दूसरी पार्टी के जो समर्थक लोग हैं वो पहले जाकर वोट गिराए हैं, और ज्यादातर इंटरव्यू उन्हीं के लिए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थोड़े होते भी हैं लेजी टाइप के, हमने देखा है हर जगह, इसीलिए कहीं कहीं रिजल्ट भी हमारे खिलाफ नए हैं। लेकिन बाद में जब मोबिलाइज हुआ है, लोग पहुंचे हैं, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज सर्च किया है, उससे अब मुझे लग रहा है कि 11 तारीख को जो है वो चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। तो आप मान रहे हैं कि जो रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं या तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है। और ये रिजल्ट से अगर हम परे होके थोड़ा बात करें, तो क्या मैं बतौर आम इंसान के तौर पे आपसे पूछूं कि दिल्ली में आपका आना जाना लगातार रहा है, आपको कुछ बदलाव नजर आया दिल्ली में, क्या आप कहीं ना कहीं इस सच को मानते हैं कि दिल्ली में कुछ तो विकास हुआ है? देखिए, कोई सरकार 5 साल काम करेगी और कुछ भी ना दिखे ऐसा तो होता नहीं है। जी, पहले की सरकार के 15 साल शीला जी काम की थी, तो क्या काम दिखा नहीं था जी। लेकिन कैसे 0 पे आउट हो गई। आज वोट परसेंटेज जो है पिछली बार भी 10% के नीचे गया था, अभी तो 4-5% दिखा रहा है जी। तो काम तो की थी, ऐसा नहीं काम है। तो सरकार में जो रहेगा कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन क्या जनता जो चाहती थी या जिस तरह से इन्होंने 2015 में वादे किए थे वैसा काम किया है? मैं समझता हूँ कि 5% भी वो काम नहीं किया है जितने वादे वो जनता के बीच करके आए थे। हाँ, पिछले 400 महीने से लोगों के यहाँ बिजली का बिल भिजवाने में देरी कर रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, और जीरो बिजली के बिल कई घरों में। वो तो वोट खरीदने का एक नया तरीका है जी। और 5 साल से अगर जीरो बिजली रहा होता तब मानता, यहाँ 5 साल से हुआ, अंतिम 6 महीने में कुछ कर दिया। तो उन्होंने तो वो तो कह रहे हैं कि 4 साल तक तो उन्हें एलजी ने परेशान कर लिया। तो आपके ही होते हैं। तो 4 साल एलजी ने परेशानी किया, और जब आप जाकर सोफा पर धरना ही दे रहे थे, काम कब कर लिए जी। एक तो कहते हैं खूब अच्छे बीते 5 साल, तो 4 साल तो आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि अच्छे नहीं बीते जी। तो लास्ट 6 महीने का चुनाव हो रहा है क्या? जनता को बेवकूफ ना समझे, लेकिन ये जरूर है कि ये जो फ्री बांटने वाली टेंडेंसी जो चली है ना देश की राजनीति में, ये दूरगामी परिणाम इसके अच्छे नहीं होंगे। हर चीज फ्री नहीं हो सकता जी। फ्री होगा तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? नहीं, अर्थव्यवस्था की बात भी नहीं है, आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, अगर फ्री हो जाएगा तब मिसयूज करेंगे, सीधी सी बात है। लाइट नहीं बताएंगे, अभी क्या जो कि बिजली का बिल आता है तो आप ध्यान देते हैं। कुल मिला के आप यही कहना चाह रहे हैं कि अब सरकार थी 5 सालों में, आखिरी कुछ बचे दिनों में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम किया है, ऐसे जो उम्मीद लगाई जाती है 5 साल के सरकार से, उसके उम्मीद के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया। 6 महीना बिजली का बिल नहीं भेजना वो काम नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि वोट खरीदने का एक नया तरीका चला है, लेकिन काम तो दिखा नहीं है। बता दे कितना फ्लाईओवर बनाए हैं जी, बता दे। बिल पे तो सभी को अरविंद केजरीवाल ने घुमाया। किस पर बता रही है? सिग्नेचर पुल जो उन्होंने बनाया उस पर अरविंद केजरीवाल सभी बड़े लोगों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, तो पुल वो बनाया क्या? उनका तो दावा है कि सरकार ठीक है, उनकी सरकार के समय चूंकि फीता कटा है तो उन्हीं का होगा। कितने 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 पुलों का शिलान्यास किया है, कितने पुलों के लिए उन्होंने धन दिया है, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं। यहाँ प्रचार खूब हुआ है, प्रचार के मामले में अरविंद केजरीवाल के लिए भैया अच्छा करते हैं, अच्छा प्रचार।
ठीक है, तो अगर दिल्ली विधानसभा के मद्देनजर में बिहार विधानसभा जो कि अब बहुत जल्दी मेरे ख्याल से होली के बाद आप सब जी जान लगा के जुट जाएंगे बिहार विधानसभा में, तो मैं अगर दिल्ली चुनाव के मद्देनजर उसको कंपेयर करूं, यहाँ पर मात्र 70 सीट्स थे, वहां दुगने से ज्यादा सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ तैयारी रहेगी बीजेपी की और दिल्ली से आप क्या सीख लेके जाएंगे और अपने पार्टी को और मजबूत करेंगे? देखिए, दिल्ली और बिहार में फर्क है जी। बिहार में हमारी सरकार है, पिछले 15 वर्षों में 11 वर्ष हम सरकार का हिस्सा रहे हैं और वहाँ संगठन हमारा जो है बिल्कुल बूथ लेवल तक मजबूत है, और ऐसा नहीं कि जाके अब काम शुरू करेंगे, वहाँ तो काम बहुत पहले से हो रहा है। और जिस तरह का हमारा गठबंधन है, जितना मजबूत गठबंधन है, हम नहीं समझते कि विपक्ष हमारे सामने कहीं टिकने की स्थिति में है। तो बिहार की तैयारी हमारी अच्छी है, और लेकिन फिर भी हम शांत नहीं बैठे हैं, बूथ स्तर तक काम चल रहा है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। इस बार का रिजल्ट जो होगा वो 2010 से बेहतर होगा, मुझे विश्वास है। आज आरजेडी की बैठक थी, तमाम बड़े से लेके नीचे तक के पदाधिकारी को उस बैठक में बुलाया गया है। अभी आपके पास, हम दोनों जब बैठ रहे थे तभी आपके सामने खबर भी आई कि वहां पे आधुनिक हथियार के साथ भी लोग पहुंच रहे हैं, तो आरजेडी को पहले से एक तमगा मिला हुआ है, इट्स नॉट अ डिसिप्लिन पार्टी, इसका तमगा उनको पहले ही मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी चीजें आ रही, तब तो आप और जोर से चढ़ेंगे आरजेडी पे? नहीं नहीं, चढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जनता देख रही है। और आरजेडी का चाल चरित्र और चेहरा हमें बताने की थोड़ी जरूरत है, तो दिखाई चुके हैं। और अभी जो आपने बताया, एक जिलाध्यक्ष लेके गए थे, जिलाध्यक्ष का तो देखा गया, हम पूरा मुझे विश्वास है कि अगर उसमें 100 लोग आए होंगे तो 50 के पास हथियार होंगे। हाँ हाँ, वो तो खैर उनका चरित्र है और उसके बिना तो रह नहीं सकते, और इसीलिए जनाधार भी खो दिया है आज की तारीख में। आरजेडी ठीक है, थोड़ा बहुत वो जातीय समीकरण और मजहबी समीकरण बना के कुछ वोट ले लेते हैं, और अभी भी कुछ लोग हैं जो इन समीकरणों से मतलब कि प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उससे आप सीरियस पॉलिटिकल कंटेंडर नहीं बन सकते। सचिदानंद जी, मैं यही समझना चाहूंगी, तेजस्वी जी यहाँ आए, 4 सीटें उनको कांग्रेस ने दी थी, चारों को उन्होंने जम के प्रचार प्रसार किया है, और उम्मीद है बुरारी में जेडीयू और बीजेपी, यानी कि जेडीयू और आरजेडी आपने सामने, बुरारी को एक पायलट टेस्ट के तौर पे देखा जाता है बिहार विधानसभा को लेकर, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के सामने है जो बिहार में दोनों दो बड़ी पार्टियां, तो आप उस सीट को देखते हुए क्या तुलना कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा पे आप अभी भी मजबूती में है, आपका अभी भी पलड़ा भारी चल रहा है? देखिए, किसी भी सीट पर आरजेडी या कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं जी। कहीं भी नहीं है, मुरारी में भी नहीं है, लड़ाई जो भी है वो जो सत्ताधारी दल है उसी के साथ में एनडीए का है जी। तो मुरारी में चूंकि हमारे गठबंधन से हमारे जेडीयू के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लड़ाई उन्हीं के साथ है, और जो मेरे पास खबर है हम लोग वहां बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं जी, जी। और आरजेडी का तो अगर डिपॉजिट बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी अभी जयप्रकाश जी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो आपके आरजेडी और जेडीयू में लगातार जो आप पोस्टर निकाल रहे हैं, जो आरजेडी के लिए जेडीयू ने पोस्टर निकाला उसको उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप 15 साल तक नीतीश जी रहे हैं, अगर उनके घोटालों को एक एक करके गिनाया जाए तो फिर आपका जो है वो सरकार एक दिन में गिर सकती है, अगर उनका ये दावा है तो आप क्या कहेंगे? तो गिनाइए ना जी, गिनाइए। पिछली बार तो जो बजट सत्र चला था 40 दिनों में एक या दो दिन सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए नेता प्रतिपक्ष आए थे, और बाकी जो दो सत्र जो चले, मानसून सत्र और शीतकाल सत्र जो है, उसमें तो दिखाई दिए नहीं और सदन को चलने भी नहीं दिया गया। तो जब आप सदन को चलने ही नहीं देंगे और जब आप प्रश्न पूछने के लिए वहां उपस्थित ही नहीं होंगे, तो खामियां अगर होंगी भी तो गिनाइए कैसे? आप इसीलिए उपस्थित नहीं होते कि आपके पास कुछ है ही नहीं गिनाने के लिए, कुछ खामी दिखे तब ना गिनाइएगा जी। तो मतलब कह रहे कि वो खुद कमजोर पड़ रहे हैं, सिर्फ हवा में बातें हो रही है। हवा में बात है, वो तो देखिए हवा हवाई तो नेतृत्व तो है ही उनका। लालू जी ने एक ऐतिहासिक कुछ उनको विरासत मिल गया था, कुछ सामाजिक न्याय करने का एक अवसर था, मंडल कमीशन आया था और राष्ट्रीय स्तर पर एक सामाजिक न्याय की हवा बही थी, उस समय लालू जी फ्रंट में आ गए और लालू जी उसका लाभ भी उठाए जी। लेकिन सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या कर दी कि सामाजिक न्याय करते करते सामाजिक अन्याय कर बैठे जी। उन्होंने जो एक MOI बनाने के चक्कर में एक इतना गलत पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर दिया जिससे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। बुरा बाल साफ करो, क्या मतलब होता है जी। किसी भी समाज में
कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक समाज के विरुद्ध जाकर या किसी एक समाज के लिए अपने आप को घोषित कर दे कि मैं इसी समाज के लिए हमारी पार्टी है, ये तो लोकतंत्र के साथ मजाक है। क्योंकि आप जब सबका प्रतिनिधित्व करेंगे तभी राज कर सकते हैं, तो इसलिए वो तो पहले ही मान चुके हैं कि सबका प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो सबका प्रतिनिधित्व नहीं करते तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि सत्ता में भागीदारी का उनके लिए कोई उचित समय आएगा ही नहीं। ठीक, लोकतंत्र की बात आपने की, नीतीश कुमार जब प्रचार प्रसार के लिए आए थे संगम विहार में, कुल मिला के 22 मिनट से ऊपर का उनका भाषण था। उन्होंने पूरे भाषण में शाहीनबाग या सीएए पे नहीं बोला, सीएए पे उनके जबान से या शाहीनबाग के ऊपर सुनने के लिए सभी लोग वहां तरसते रहे। जब हमने अलग अलग जेडीयू के नेताओं से बात की तो उनका साफ कहना था कि जेडीयू अभी भी अपने नीति के साथ है। इसमें बतौर बीजेपी एमएलसी आप क्या कहें? देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, नीतीश कुमार जी बहुत कम शब्दों में बहुत गंभीर बात कहने के आदी रहे हैं। उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि सीएए देश का कानून बन चुका है, कोई राज्य जिसको माने न माने देश का कानून तो लागू होकर रहेगा, ये नीतीश कुमार जी ने खुद ही कहा है। साथ में भी कहा कि हाँ कुछ लोगों को जो पसंद नहीं है उनको सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा अगर वो सीएए के खिलाफ आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो देश का कानून तो बन ही चुका है। और आपने देखा होगा जब कानून बना जो सीए बी से सीएए बना तो दोनों सदनों में उनके जो संसदीय दल के जो नेता थे, ललन जी लोकसभा में और आरसीपी सिंह जी राज्यसभा में, उन्होंने बिल्कुल सीए बी के पक्ष में बातें भी रखी और इसको कानून बनाने में सहयोग भी किया। तो आज ये कहना कि सीए के साथ नहीं है, ये तो जो प्रश्न पूछते हैं उनसे मैं पूछूंगा कि भाई किस आधार पर आप कहते हैं कि जदयू सीए के साथ। लेकिन उनके नेता भी तैयार नहीं है इस पर बोलने के लिए, तो वो भी विचार विमर्श की स्थिति में। बार बार बोलने की जरूरत नहीं ना है, बार बार बोलने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ना कि जब नीतीश जी के लेवल के लोग एक बात को बार बार नहीं दोहराते हैं, दोहराना चाहिए भी नहीं। उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि सीएए देश का कानून बन चुका है, देश का कानून बनने में उनके दल का पूरा समर्थन रहा है, और अब जो देश का कानून बन चुका है तो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट ही है जो इस पर कोई टीका टिप्पणी कर सकता है, और किसी को टीका टिप्पणी करने की जगह भी नहीं है। जहां तक रहा शाहीन बाग का आपने बात कहा, तो शाहीन बाग जो है वो बड़ा ही एक तरह का तौहीन बाग, जो हमारे संबित पात्रा जी कहते हैं वो शाहीन बाग को तौहीन बाग बना दिया गया है। वो सीए के खिलाफ नहीं है, वो देश के खिलाफ है। वो कोई जनता का प्रतिनिधित्व वहां के लोग नहीं करते हैं, एक वर्ग के लोगों को बरगला कर और प्रायोजित तरीके से एक प्रयोग किया गया है। तो प्रयोग तो दिल्ली की जनता ने दिखा दिया। आज जो कह रहे हैं ना कि गोलबंद हुआ है, तो गोलबंद क्यों हुआ है? गोलबंद होने में शाहीनबाग का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं मैं शाहीनबाग के लोगों के साथ खड़ा हूं, तो शाहीनबाग के लोगों के साथ खड़ा है तो जो शाहीनबाग के रास्ता बंद करने के चलते जो लाखों लोगों को जो असुविधा हो रही है, मतलब आप असुविधा के भी आप ही खड़े हैं ताकि लोगों को असुविधा हो, तो जिनको असुविधा हो रहा है वो आपको वोट देंगे क्या, आपको समर्थन देंगे क्या? तो ये तौहीनी जो हुई है जब दिल्ली के लोगों की, शाहीनबाग उसी का एक प्रतीक है। तो ये हमारे साथ है सचिदानंद जी, एमएलसी हैं बीजेपी से। आपको बता दें दिल्ली विधानसभा में तमाम बीजेपी के एमएलसी हो, एमएलए हो, सांसद हो, सभी यहाँ दिल्ली विधानसभा में जुटे हुए थे। एक साथ डटके इन्होंने काम किया, इन्हें पूरा विश्वास है कि दिल्ली विधानसभा में चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है आम आदमी पार्टी के तरफ रिजल्ट जाता हुआ, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि रिजल्ट चौंकाएगा आप सबों को। हमें भी उम्मीद है 11 तारीख को क्या रिजल्ट सच में चौंकाता है या फिर जो एग्जिट पोल कह रहा है वैसा ही सेम टू सेम रिजल्ट आएगा। बट ये जरूर है कि जहां बीजेपी आउट ऑफ मैच नजर आ रही थी शुरुआती दिनों में चुनाव शुरू होने से पहले, वहीं पे जब एक सप्ताह बीतता है और शाहीनबाग मुद्दा जैसे जैसे धीरे धीरे राइज होता है और अमित शाह अपने हाथ में कमान संभालते हैं, ठीक वैसे वैसे धीरे धीरे करके बीजेपी बहुत तेजी से मैच में इन करती है। और जहां हम बीजेपी को कहीं 10-15 सीटों पर लोग तुलना कर रहे थे, उसी बीजेपी को 25 से 28 तक पे लोग अब दे दे रहे हैं सीट। तो अब देखना होगा कि बीजेपी कहीं सच में 21 साल बाद वापस 40 से अधिक ये इनका अनुमान है। और मुख्यमंत्री का चेहरा भी आप खुलासा हो जाएगा, हो जाएगा मुख्यमंत्री बन जाएगा। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बीजेपी के पास टैलेंट की कमी नहीं है, और एक बार जब संख्या आ जाएगी तो बीजेपी बहुत अच्छा सरकार भी देगी, देखिएगा। तो उम्मीद है इन्हें कि बहुमत के साथ सरकार बीजेपी बनाएगी, और एक बार सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भी बीजेपी का दिल्ली में बनेगा। खैर हम सबको उम्मीद है कि केजरीवाल हट रहे हैं, बीजेपी आ रही है, या फिर केजरीवाल दोबारा एक बार फिर से मुख्यमंत्री का कमान संभालेंगे। तब तक आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ, सिटी पोस्ट हर खबर आप तक पहुंचाता रहे।